वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। ईडी आज आजम खान से जेल में पूछताछ करेगी और ईडी ने आजम खान से पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत ली है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से भी पूछताछ होगी और कोर्ट से ईडी को मिली है ओपन परमिशन पूछताछ के लिए। ईडी कभी भी जेल जाकर पूछताछ कर सकती है। अगले हफ्ते मुख्तार अंसारी से होगी पूछताछ और मुख्तार के बाद अतीक अहमद से भी ईडी पूछताछ करेगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां ईडी आज आजम खान से जेल में पूछताछ करेगी। आजम खान से पूछताछ के लिए इजाजत ली गई है, ओपन परमिशन दे दी गई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की भी बारी आएगी इसके बाद पूछताछ के लिए और कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। कोर्ट से ईडी को मिली है ओपन परमिशन। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था और इसी मामले में ईडी जांच पड़ताल कर रही है। तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से भी पूछताछ की जाएगी ईडी की टीम की तरफ से और कोर्ट से दरअसल ओपन परमिशन मिल चुकी है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, ओपन परमिशन मिल चुकी है आजम खान से पूछताछ के लिए और उसके बाद बारी आएगी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की भी। बिल्कुल दिव्या, देखिए आजम खान सीतापुर जेल में, मुख्तार अंसारी बांदा जेल में और अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद हैं। इन लोगों से पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी और अब कोर्ट ने ओपन परमिशन दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब ईडी कभी भी जाकर जेल में इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। आज आजम खान की बारी है, आजम खान से पूछताछ शुरू होगी सीतापुर जेल में। उसके बाद अगले सप्ताह बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो कि बांदा जेल में बंद है उनसे जाकर ईडी पूछताछ करेगी। उसके बाद अहमदाबाद जेल में जाकर अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी कार्रवाई तब करता है जब आपके पास अचूक संपत्ति हो, बेनाम संपत्ति हो। इन लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पिछली सरकारों में सत्ता पक्ष में रहते रहे और अपनी गुंडागर्दी के चलते इन लोगों ने अचूक संपत्ति अर्जित की है, तमाम लोगों की जो जमीनें हैं उस पर कब्जा किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसको लेकर सख्त है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने साफ शब्दों में ये निर्देश दे दिया कि जो भी गुंडे माफिया हैं या तो जेल में चले जाएं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, क्योंकि यूपी में अब अपराध की जगह नहीं हो। जिस तरीके से लगातार यूपी सरकार इन लोगों पर कार्रवाई कर रही है, अब समय आ गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि यूपी पुलिस के साथ मिलकर ही ये जो भी प्रक्रिया है कार्रवाई की इसको आगे बढ़ाएगी और ये जानकारी ली जाएगी कि इन लोग के पास जो अचूक संपत्ति है, जो कई अवैध संपत्तियां अर्जित की गई लोगों की तरफ से उस पर बुलडोजर भी चल चुके हैं और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई अब इन लोगों की नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए।